नमस्कार बच्चों, आज की पोइम जो है द ट्रीज़, यह पोइम लिखी है एड्रिन रिच के द्वारा। इस पोइम में हम अगर इसकी मुख्य रूप से बात करें तो कवि घरों में लोग पेड़ पौधे सजावट के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल को काटा जा रहा है। क्या कोई जंगल वृक्षों के बिना हो सकता है? इस कविता में वृक्ष कहाँ हैं और वे कहाँ जाते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? शुरू करते हैं कविता। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। घर के भीतर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड यानी घर के भीतर जो वृक्ष हैं आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट, वो जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कौन से जंगल की ओर जा रहे हैं? जो जंगल आजकल बिल्कुल खाली हो गया है और जिसमें कोई भी पेड़ पौधे लगे हुए नहीं हैं, जंगल बिल्कुल एम्प्टी है। वेयर नो वर्ड कुड सिट, और जंगल खाली होने के कारण वहाँ कोई भी बर्ड्स भी नहीं हैं, पक्षी भी नहीं हैं, ना ही नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़े भी अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। जिस जंगल में वृक्ष नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो कीड़े भी अपने आप को वहाँ छिपा नहीं पाएंगे, अपने आप को वहाँ हाइड नहीं कर पाएंगे। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और वहाँ जो छाया ही नहीं है वहाँ पर पेड़ों की, तो वहाँ पर धूप भी कोई उसका उपयोग नहीं है। तो यानी कवि क्या कहता है कि जंगल पेड़ों से बिल्कुल रहित हो गया है और सूर्य का जो धूप आ रही है और पेड़ों के बिना उसकी छाया भी नहीं बन रही है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वह जंगल जो आजकल बिल्कुल खाली था, आजकल की जो रात्रियां हैं, रात हैं, नाइट्स हैं, उनमें यह जंगल बिल्कुल खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वह सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा, यानी इतने सारे पेड़ पौधे लग जाएंगे कि सुबह तक जंगल फुल हो जाएगा। यहाँ पर वह आशा कर रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि सुबह तक जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाएंगे। फिर वे कहता है ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़ों ने काम किया है। कैसे काम किया है? उगने के लिए, फर्श में से जब वो उगेंगी जड़ें तो वो पूरी रात उन्होंने काम किया है। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, जो फर्श है उसमें से अपने आप को बाहर लाने के लिए, जैसे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं तो छोटी छोटी जमीन में दरार आ जाती हैं, और कवि कहता है कि पूरी रात जाग करके जड़ों ने ये काम किया है कि वो फर्श से बाहर आ देना चाहती हैं। इन द वेरेंडा फ्लोर, कौन से फ्लोर से? जो वेरेंडा का फ्लोर है, फर्श है, उसमें से पूरी रात जड़ों ने बाहर आने की कोशिश की है, यानी जो बीज बोए गए हैं अब वो छोटे अंकुर उनमें से निकलेंगे तो दरार आएंगी और वो पेड़ पौधे बन जाएंगे। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वो शीशों की तरफ जा रही हैं, जो घरों में सजावट के लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनकी पत्तियां शीशों की तरफ जा रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एग्जर्शन, और छोटी मोटी जो ट्विग्स हैं, छोटी तुड़ी मुड़ी सी शाखाएं हैं, वो छत के नीचे उथल पुथल करती हुई प्रतीत हो रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोल्स सफरिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, कैसे उथल पुथल कर रही हैं ये? जैसे कोई जब मरीज होता है, उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है, तो उसके बाद जब उसे रिलीव कर दिया जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है। डिस्चार्ज जब हो जाता है हॉस्पिटल से, ऐसा मरीज जो होता है, पेशेंट्स होते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है और वो भौचक्के से अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलते हैं।
उसी प्रकार से घरों में जो पेड़ पौधे बंद कर दिए गए हैं सजावट के लिए, वो बाहर जाना चाहते हैं। और ऐसी टूटी मुड़ी पेड़ों की शाखाएं जो हैं, ट्रीज़ की जो छोटी मोटी टहनियां हैं, वो उस घर से बाहर आना चाह रही हैं। आई सिट इनसाइड, मैं भीतर बैठा हूँ, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, और मैंने अपने वरंडा के डोर खोल रखे हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे पत्र लिख रहा हूँ, इन विच आई स्केयर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं डिपार्चर को मेंशन नहीं करता हूँ। मतलब मैं बड़े बड़े पत्र लिख रहा हूँ अपने बारे में, लेकिन मैं उसमें डिपार्चर के बारे में कभी भी बात नहीं करता हूँ। डिपार्चर कौन सा? ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि मेरे घर से जंगल में का जो है सीन जो है उसको मैं कभी भी वर्णन नहीं करता हूँ कि जंगल किस प्रकार खत्म हो गए हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, आज की रात जो है बिल्कुल फ्रेश है, चमक रही है। द होल मून साइंस, और पूरा चंद्रमा खिला हुआ है जो चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, जो पूरा खुला हुआ आकाश है उसमें पूरा चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेन, यहाँ पर पत्तियों की और काई की, लीव्स यानी पत्तियाँ, लीचेन यानी काई की खुशबू आ रही है। स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, और वो खुशबू कैसी है? एक आवाज़ के जैसी है जो मेरे कमरे में बाहर से होकर के आ रही है। माय हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे दिमाग में छोटी फुसफुसाहट सी हो रही। विस्पर यानी कोई जब धीरे धीरे विस्परिंग करता है, धीमी धीमी आवाज़ आना, तो वैसा कुछ कवि को लग रहा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल चुप हो जाएंगी, ये जो आवाज़ आ रही हैं वो कल चुप हो जाएंगी। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, सुनो ये शीशा टूट रहा है, यानी जहाँ पर पेड़ पौधों को बंद कर रखा है रूम में सजावट के लिए। तो कवि कहता है कि ये देखो गिलास जो है, ग्लास टूट रहा है, शीशा टूट रहा है विंडो का। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और उसमें से पेड़ पौधे बाहर जा रहे हैं। इन टू द नाइट, रात्रि में विंड्स रश टू मीट देम, और हवाओं को देख कर ये लग रहा है कि हवाएँ उनसे मिलने आ रही हैं। जब पेड़ पौधे बाहर की ओर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हवाएं उधर की ओर आ रही हैं, तो कवि को ये लगता है कि दोनों मिलने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है हवाओं का और पेड़ पौधों का, दोनों का। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और शीशा जो टूटने पर ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा भी टूटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। जब टूटे हुए शीशे में से आप चांद को देखेंगे तो आपको वो टूटा हुआ सा दिखाई देगा, और कवि को ये लग रहा है कि वो भी मिरर की तरह टूटा हुआ है। इस पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टैलेस स्टॉक, और जो उसके टुकड़े से हैं वो सबसे बड़ा जो पेड़ है, ओक का ट्री जो है, उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि उसका मुकुट बन गया हो। क्राउन यानी ताज या मुकुट जो है, चंद्रमा कैसा दिख रहा है कवि को? जैसे कोई शीशे का मुकुट यानी हीरे मोती जड़ करके मुकुट को बलूत के पेड़ पर लगा दिया गया हो। ओक ट्री होता है जो बहुत ही सबसे ऊंचा जो जंगल में पेड़ होता है, तो चांद जो है उसके भीतर से कवि को चमकता हुआ टूटा हुआ सा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई मुकुट हो। ये मैंने आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बताई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंबॉलिक हैं, और जो 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 यहाँ पर आप बात करेंगे इसकी कि डज द पोइम प्रेजेंट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, कंपेयर इट विद ए टाइगर इन द जू, और आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं इस कविता को। और भीतरी सजावट के लिए जो पेड़ पौधों का प्रयोग हो रहा है उसको कवि ने अपनी कविता का विषय बनाया है। द पोइट डिस्क्राइब्स द मून इन द फॉलोइंग वेज, अगर बात करें कि वो मून को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेंजा में इस मून को फूल मून के रूप में डिस्क्राइब करता है, चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है। फिर वो क्राउन के रूप में, टॉलेस्ट जो ओक ट्री है उसके क्राउन के रूप में उसको डिस्क्राइब करता है।